हे गाइस, वेलकम टू अदर वीडियो शो। गाइस, फाइनली मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है और भाई इधर रेगुलरली वीडियो वगैरह आता रहेगा। पार्ट दो दिन में एक वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस किया, तो भाई वो जरूर आएगा। पार्ट दो दिन में एक एक वीडियो आता रहेगा। और भाई इधर जो मैंने ये वाला जो वीडियो है ना, ये कोई पेंडिंग वगैरह का वीडियो नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा एक व्लॉग टाइप का वीडियो है जो कि मैंने पहली बार किया इस चैनल पर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वगैरह मुझे फेस करना पड़ा है। भाई इस टाइप कोई एक्सपीरियंस वगैरह मुझे नहीं था व्लॉगिंग का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। हर जगह भाई वीडियो वगैरह नहीं हो पाया है, क्योंकि भाई इधर जो व्लॉगिंग वगैरह कर रहा था मैं उधर अकेला था, और भाई थोड़ा सा मार्केटिंग कर रहा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ा। भाई आप लोग चाहो तो देख सकते हो, और भाई नहीं भी चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत देखो वीडियो, उतना भी ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो भाई जो जो भी देख रहे हो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो को देखो और भाई गलती को माफ़ कर देना, देखते रहो। वीडियो शो गाइस, ये कोई पेंटिंग वगैरह का वीडियो नहीं होने वाला है। ये जो वीडियो होने वाला है थोड़ा सा ब्लॉग टाइप होने वाला है, क्योंकि भाई मेरा एक काम है, हावड़ा में मैं जा रहा हूँ। लगभग 8 महीने के बाद मैं फिर से ट्रेन में चढ़ूँगा। भाई सोचो एक बार, 8 महीने हो गया भाई ट्रेन में नहीं चढ़ा हूँ, तो बहुत दिन के बाद ट्रेन पर चढ़ूँगा। और उसके बाद भाई मैं फ्लावर मार्केट जाऊँगा, उधर से बहुत सारे फ्लावर वगैरह परचेस करूँगा, तो लेके आऊँगा उसको घर पर। तो देख सकते हो इधर का जो सीनरी है, तो एकदम ऑसम टाइप हो है। मैं अभी ट्रेन स्टेशन पे जा रहा हूँ। चलो देखते रहो आगे आगे वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, ब्लॉग टाइप थोड़ा सा। क्योंकि इधर तो मैं मेन स्टेशन से ट्रेन पे चढ़ गया था, और भाई उधर से साइकिल को एक जगह पे रखने के बाद उसके बाद ही ट्रेन पे चढ़ पाया। बाहर का नज़ारा तो एकदम मौसम है। जब मैं ट्रेन पे जा रहा था तब टाइम हुआ था करीबन 8:30 के अराउंड। तो भाई देखो उतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, यानी कि भाई सुबह के जो ट्रेन वगैरह होता था ना, तब भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होता था। और ये कोरोना के कारण थोड़ा सा तो लोग वगैरह कम है, तो वो तो अच्छा ही है मेरे लिए। और भाई ये देखो, और भाई क्या एक दिक्कत की बात यह है कि मैं मास्क लाना भूल गया था, तो इसलिए मैं मेरा रुमाल से ही काम चला रहा हूँ उधर। और गाइस ट्रेन से उतरने के बाद मैं हावड़ा स्टेशन पे पहुंच गया था, और हावड़ा स्टेशन पे अंदर वीडियो वगैरह नहीं बना पाया क्योंकि उधर भाई बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मेरे को जल्दी से आना था, तो भाई इसलिए उधर वीडियो वगैरह नहीं बना पाया। और इधर मैं जो हूँ ये है हावड़ा ब्रिज, वन ऑफ द फेमस ब्रिज इन इंडिया। तो भाई इस ब्रिज पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। इस ब्रिज के नीचे अंडर में गंगा रिवर बह रहा है, तो उसके साइड में ही एक फ्लावर मार्केट है, क्योंकि बहुत ही बड़ा फ्लावर मार्केट है रॉ फ्लावर का। तो उधर ही मैं जा रहा हूँ, क्योंकि भाई आप लोग तो जानते हो मेरा एक डेकोरेशन का बिजनेस है, तो उधर की भाई फ्लावर वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो इसलिए एक काम आया है मुझे डेकोरेशन का, तो भाई इसलिए उधर फ्लावर वगैरह परचेस करने के लिए जा रहा हूँ उधर। भाई जो नज़ारा है ना, ये तो हर भाई क्या बोलूँ भाई, एकदम औसम लगता है। मैं जब भी आता हूँ तो इस नज़ारे को मैं भूल ही नहीं पाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा ओपी वाला लगता है ये वाला नज़ारा। देखो बहुत सारे लोग वगैरह है। भाई पहले के टाइम में ना ये बहुत ज़्यादा ब्रिज था, इस ब्रिज में ना बहुत ज़्यादा लोग वगैरह ट्रैवल वगैरह करते थे, बट इस टाइम थोड़ा सा हल्का है। और गाइस इधर से मैं फ्लावर मार्केट में इन कर रहा था, सीढ़ी से उतरने के बाद ही उधर से फ्लावर मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा फ्लावर वगैरह मिलेगा इधर। भाई जो परचेस वगैरह करूँगा उस सबका वीडियो मैं नहीं बना पाया, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में फ्लावर वगैरह बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाता है, इसलिए वो सब वीडियो में नहीं बना पाया। और भाई मैं घूम घूम के दिखाऊंगा आपको कि किस किस फ्लावर इधर मिल जाएगा, और इस टाइप के कुछ भाई मज़ा आता है इस सब फ्लावर को देखने के लिए। और मेरे काम में भी बहुत ज़्यादा लगता है इस टाइप के कुछ फ्लावर वगैरह, तो मैं इधर से परचेस करके कुछ रोज़ वगैरह कुछ पत्तियाँ वगैरह डेकोरेशन के लिए तो दिखाऊंगा। भाई जो काम मैंने किया इस सब फ्लावर से मैं वो भी दिखाऊंगा आपको आखिर में, वीडियो का आखिर में दिखाऊंगा आपको। तो देखते रहो बहुत ही अच्छे अच्छे रोज़ वगैरह, भाई क्या ही कलर है ये सब, बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने में। तो देखते रहो आगे आगे, तो ये सब जो पत्तियाँ वगैरह दिख रहा है ना इधर, सब भाई डेकोरेशन के काम में लगता है। नहीं देखो इधर रजनीगंधा का स्टिक वगैरह मिल जाएगा, सब कुछ है भाई, बहुत ज़्यादा वैरायटी के फ्लावर वगैरह इधर मिलते हैं। और गाइस ये मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैं ब्लॉग टाइप के इस चैनल में पोस्ट कर रहा हूँ, अभी भी कोई वीडियो वगैरह मैंने नहीं किया इस टाइप का, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पता है उतना ज़्यादा अच्छा वगैरह नहीं है। तो भाई क्या बोलूँ भाई, बुरा भी लगा था तो भी कमेंट में बताना ज़रूर। भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रेशराइज नहीं है कि वीडियो को देख लो एक बार, ऐसा कोई बात नहीं। आपको क्या बोलूँ ना, अच्छा लगे तो ही देखो, नहीं तो नहीं देखो, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। और गाइस ज़्यादा फ्लावर वगैरह मैं इधर जो परचेस कर रहा हूँ ना, मैं तो इधर अकेला आया था मार्केट में, तो उस सब का वीडियो मैंने नहीं बना पाया, क्योंकि भाई पहले ही बताया एक हाथ में फ्लावर और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।
और गाइस मार्केट से मैंने ये सब चीज़ें परचेस किया है। लेफ्ट साइड में जो प्लास्टिक दिख रहा है उधर भाई हरी पत्तियाँ वगैरह है जो कि डेकोरेशन के काम में बहुत ज़्यादा लगता है, और मिडिल वाले पैकेट में उधर है बहुत सारे रॉ फ्लावर जैसे कि रजनीगंधा वगैरह और भाई रोज़ वगैरह सब कुछ है उधर। और लेफ्ट साइड में जो सॉरी जो राइट साइड में जो बॉक्स दिख रहा है और एक नेट है तो उधर वेसिस वगैरह है जिसके ऊपर फ्लावर वगैरह लगाना पड़ता है, तो भाई वही है उधर। और गाइस ये सब खरीदने के बाद मैं थोड़ा स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ गया भाई, देखो ट्रेन तक छूट गया भाई, ये जो ट्रेन है ना ये मेरे स्टेशन तक नहीं जाएगा, मुझे स्टेशन सामने वाली छोटी पे उतरना पड़ेगा स्टेशन पे, उधर से ही मेरे स्टेशन पर ट्रेन मिलेगा। मुझे लगता नहीं ये वो वाला ट्रेन मुझे मिल पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया भाई। देखते इस ट्रेन से उतरने के बाद मुझे वो वाला ट्रेन मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो भाई एक दिक्कत की बात है, वो वाला ट्रेन मुझे मिस हो गया तो क्या बताऊँ, करीबन 3 आवर मुझे वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रेन के लिए, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। देखो सो गाइस फाइनली एक स्टेशन पर हम पहुंच चुके भाई, हावड़ा से मैंने स्टेशन पर आया और इधर से मेरा ट्रेन मिलेगा। और भाई ट्रेन मिलने में अभी भी बहुत ही ज़्यादा टाइम है, क्या बताओ जो ट्रेन का टाइम है ना वो भाई 3:30 को है और भाई अब टाइम हुआ है सिर्फ 12, भाई अभी भी 3.5 घंटे मुझे वेट करना पड़ेगा तब जाके ट्रेन मिलेगा, क्योंकि भाई एक ट्रेन मिस करने के कारण ये सब हुआ। और भाई मेरे साथ बहुत सारा क्या बोलते हैं ना बहुत सारा वेटिंग मटेरियल है, जैसे कि देख लो बहुत ही ज़्यादा वेट है भाई, ये सब हरी पत्ती का सब कुछ है इधर। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन जो बनाऊंगा भाई ट्रेन में बनाऊंगा, तो देख। और गाइस ये देखो मैं एक कार की छत पे ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, क्योंकि उधर से ट्रेन तो बहुत ही टाइम लेट था, तो मैंने सोचा कि भाई उतना लेट मैं नहीं करूँगा, मैं ऑस्कोर कार से चला जाऊँगा। और भाई इस कार के मेरे साथ इतना ज़्यादा सामान वगैरह है तो भाई इसलिए अंदर सीट नहीं मिला, तो मेरे को छत पर बैठना पड़ा भाई, तो छत पर सफ़र कर रहा हूँ। ये तो मज़ेदार है बट बहुत ही ज़्यादा धूप है, ट्रेन की हालत तो और गाइस इस कार से उतरने के बाद मैं मेरा घर पे पहुंच गया था, और भाई उसका वीडियो वगैरह मैं नहीं बना पाया क्योंकि भाई मेरे पास तो बहुत ज़्यादा सामान वगैरह था और भाई मैं अकेला था, तो इसलिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया है। और गाइस मार्केट से जो फ्लावर वगैरह खरीद के लाया था उससे हम लोग ये काम किए हैं इधर, भाई कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, काम वगैरह पसंद कमेंट में ज़रूर बताना। कौन तक लाइट काम मैंने किया था एक वेडिंग में, उसके बाद और कुछ गेट वगैरह भी है उधर, सब कुछ दिखाऊँगा देख लो। तो ये था मेन मेरा काम स्टेज, और उसके बाद ये गेट भी हमने किया था उधर, तो कैसा लगा कमेंट करना ज़रूर। सो गाइस हमने तो देख ही लिया है हमारा डेकोरेशन का काम, तो भाई कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना ठीक है। तो इस टाइप के वीडियो वगैरह मैंने पहली बार पोस्ट किया चैनल पे, तो भाई बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स के लिए, तो भाई कमेंट में बताना कैसा लगा ये वाला वीडियो। और इस टाइप के वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो भी कमेंट में बताओ, और नहीं भी देखना चाहते हो तो भी कमेंट में बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे पता है उतना ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ है वीडियो, तो कमेंट करना ज़रूर कैसा लगा। और गाइस मैंने कह दिया आपको 2 दिन में एक पेंटिंग का वीडियो आता रहेगा, तो भाई वो ज़रूर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो भाई जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और गाइस इंस्टा पे अभी तक जो फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, इधर इंस्टा का लिंक दिख रहा है इधर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वाला और एक वीडियो में, कमेंट जरूर करना ठीक है, बाय।